अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और एक चम्मच ऑयल डाल के उसे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिए। ये हमारा पानी हो रहा है गर्म। तो जब ये हल्का सा गर्म हो जाए, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसे इसमें ज़रा ये चीज़ें मिक्स करके इसे देखें। जब ये हल्का गर्म हो जाए तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ये पानी हो रहा है गर्म, अब हमने उसे उतार लिया और एक बर्तन में हमने लिया मैदा, एक कप मैदा, और उसमें आधा चम्मच यीस्ट मिक्स किया, खमीर, और जो पानी हमने अभी हल्का गर्म किया था उससे हमने इसे डो को तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते जाएं ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी साथ में ऐड करते जाएं, ये पानी हल्का गर्म हो। तो ये देखें, इसमें ये डल गया पानी और अब हम ये डो तैयार कर रहे हैं। इसको बहुत आराम से मिक्स करना है। जितनी अच्छी डो होगी पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा तैयार होता है। ये सारा इसमें डाल के हमने डो, सारा ऑयल वगैरह इसमें आ गया। अब ये देखें, इसे हमने गूंदना है इस तरह, ये इस तरह इस डो को तैयार करना है। तो ये हमारी पिज़्ज़े की डो तैयार हो रही है। ये देखें, ये बन गई पिज़्ज़े की डो। ये देखें, इसको थोड़ी देर इस तरह करना है ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ये देखें, ये हो गई हमारी डो तैयार। इसे अब हमने एक बर्तन में निकाला और इसके ऊपर प्लास्टिक कवर करके इसे आधे घंटे के लिए रख दिया। फ्रिज में नहीं रखना, इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है। आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें ताकि अच्छी तरीके से यीस्ट इसमें मिक्स हो के अच्छा पिज़्ज़ा बन सके। अब हमने एक बर्तन में लिया चिकन, चिकन के छोटे छोटे पीसीस कटे हुए थे, और उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये एक टेबलस्पून डाल दिया दही। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये है चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च और दही, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। अब हमने पैन में ऑयल लगाया, उसको अच्छे तरीके से ऑयल लगाकर जो डो हमने तैयार की थी उसे हमने हाथ से अच्छी तरह इस पैन में डालकर फैला लेना। ये देखें कितनी अच्छी डो तैयार हो गई है। इसे हमने अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा पैन में फैला दिया, ये देखें, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें ऑयल वगैरह लग जाए। ये डो आ गई पिज़्ज़ा पैन में। अब हमने एक फोक से इसमें छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह अब ये डो हमारी तैयार है। इसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, और अगर घर में पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसके ऊपर केचप भी डाल सकते हैं। ये अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस इस सारी डो पे फैला दें, ये देखें। और अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो केचप में थोड़ा सा पानी डाल के, नमक मिर्च डाल के आप वो भी इसमें लगा सकते हैं।
तो ये हमने डाल दी इस पे सारी पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे तरीके से फैला दी। ये देखिए जी, ये सारी पिज़्ज़ा सॉस इस पे हो गई, अच्छे तरीके से लग गई। अब हमने इसके ऊपर कटी हुई सब्जियां, बारीक कटी हुई सब्जियां, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर था, वो अब हमने इस पिज़्ज़ा सॉस पे अच्छी तरह उस सब्जियों की लेयर लगा दी, तह लगा दी। ये देखें, ये सारी बारीक कटी हुई सब्जियां पिज़्ज़े के ऊपर डाल दी और इसको अच्छे तरीके से फैला दे। ये देखें, इसके ऊपर अब आपने चिकन के पीसेस डालने हैं, जो हमारे छोटे छोटे चिकन के पीसेस थे, जिसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च और दही मिक्स किया था, वो सब इसके ऊपर लगा दें। ये देखें, ये अच्छे तरीके से इस पे डाल के हमने फैला दिया। अब हम लेंगे चीज़, तो चीज़ को चाहे आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें या आप उसे कद्दूकश कर लें, जैसा आप चाहें। ये हमने इसके छोटे छोटे पीस किए, तो ये हमने ऊपर सारे अच्छे तरीके से फैला दिए। ये देखें व्यूअर्स, ये सारा चीज़ हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब हमारे पिज़्ज़े की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। अब हमने एक देगचा लिया और उसे उसमें एक स्टैंड रख के उसे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया। जब देगचा गर्म हो जाए तो 10 मिनट के बाद इसमें तैयार पिज़्ज़ा रख दें। ये देखें इस तरह, ये हमने इसमें रख दिया और ये देखें, ये सारी चीज़ें तैयार हैं। ये हमने देगचे में रख के इसको सेट करके, तो देगचे का ढक्कन ऊपर से बंद कर दें और इसको अच्छे तरीके से किसी कपड़े से कवर कर दें ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। 20-25 मिनट के बाद आप ढक्कन उतारें तो हमारा पिज़्ज़ा ये हो गया रेडी। ये देखें, देखने में कितना खूबसूरत है। इसे किया हमने डिश आउट, पिज़्ज़ा तैयार है और आप इसे टेस्ट करें केचप के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।